सो वेलकम बैक गाइज, एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। बहुत सारे प्लेयर्स के दिमाग में ये डाउट होता है कि मेरे पास जो फोन है इसके अंदर हेडशॉट्स नहीं लगते हैं या फिर ये एक अच्छा फोन नहीं है। जितने भी प्लेयर्स के पास मिड रेंज के फोन होते हैं, 10 या फिर 20 हज़ार के बीच के फोन जिसके पास भी होते हैं, उन सबको ये डाउट होता है कि मेरा फोन अच्छा नहीं। और कुछ प्लेयर्स के दिमाग में ये डाउट होता है कि मैं डीपीआई का यूज नहीं करता हूँ इसलिए मेरे हेडशॉट्स नहीं लगते हैं, और ये बंदा इसलिए अच्छा खेलता है क्योंकि ये डीपीआई का यूज करता है। ये डाउट मैक्सिमम प्लेयर्स के दिमाग में होता है और यही डाउट मेरे दिमाग के अंदर भी थे। तो मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैंने अपना फोन परचेज किया था तो मैंने लॉकडाउन में 2020 के अंदर अगस्त के महीने में अपना फोन परचेज किया था, और जो मैंने फोन परचेज किया था उसका नाम है Redmi Note 9 Pro Max, और 6GB इसका रैम है और 64GB इसका स्टोरेज है। और ये फोन मुझे उस टाइम पे लगभग 19,000 रुपए का पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन के अंदर सभी फोन्स महंगे हो गए थे। तो जब मैंने इस फोन के अंदर खेलना शुरू किया तो मेरे वन टैप हेडशॉट्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते थे, और मैं भी ये सोचता था कि मेरा फोन ही बेकार है। और उसके बाद मैंने YouTube के ऊपर सर्च किया Redmi Note 9 Pro Max गेम प्ले, मतलब कि फ्री फायर का गेम प्ले। मेरे सामने काफी सारी वीडियोज आई और उनमें से एक इस वाले बंदे की वीडियो आई, राजवीर FF। इस बंदे ने भी Redmi Note 9 Pro Max फोन का गेम प्ले डाला था, फुल मैप का। अभी जो आप बैकग्राउंड के अंदर गेम प्ले देख रहे हो ये इसी भाई का गेम प्ले है, और ये गेम प्ले 2021 का है, दूसरे महीने का। और वीडियो की क्वालिटी आपको ऐसे लैग दिख रहा होगा, स्मूथ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इस भाई के चैनल के ऊपर जाके भी आप इनका गेम प्ले देख सकते हो। तो जब मैंने पहली बार इस भाई का गेम प्ले देखा तो मैंने पहले तो विश्वास बिल्कुल भी नहीं किया, फिर मैंने और वीडियोस देखी तब जाके मुझे विश्वास हुआ कि हाँ इस बंदे के पास यही फोन। और इस बंदे ने फुल मैप में हेडशॉट्स लगाए थे, वन टैप हेडशॉट्स और ड्रैग हेडशॉट्स। और फुल मैप के अंदर हेडशॉट्स मारना टफ होता है कस्टम के मुकाबले। ट्रेनिंग में, सीएस में या फिर कस्टम में हेडशॉट्स लगाना आसान होता है और फुल मैप के अंदर सबसे ज्यादा टफ होता है। तो जब मुझे कंप्लीटली पता लग गया कि इस बंदे के पास भी सेम ही वही फोन है जो मेरे पास है, फिर मैंने सोचा कि ये बंदा डीपीआई का यूज करता हो। पर फिर मैंने इस बंदे की वीडियो का टाइटल देखा, यहाँ पे देख लो Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max पूरा नहीं दिख रहा है और आगे लिखा है डिफॉल्ट डीपीआई। तो मैंने काफी दिनों तक ये सोचा कि भाई ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये डीपीआई का यूज करता होगा, बट ये झूठ बोल रहा है कि ये डीपीआई का यूज नहीं करता, क्योंकि उस टाइम पे मुझे खेलना बिल्कुल भी नहीं आता था और मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि इस फोन के अंदर भी ऐसा खेला जा सकता है। तो मैंने काफी दिनों तक इस भाई की वीडियोस देखी और बहुत ज्यादा दिन के बाद जाके मुझे पता लगा कि क्या गड़बड़। फोन दोनों के पास सेम है, जो इसके पास है वही फोन मेरे पास है, मैं भी डीपीआई का यूज नहीं करता हूं और ये बंदा भी डीपीआई का यूज नहीं करता है, और इसका गेम प्ले ओपी लेवल का और मेरा गेम प्ले जीरो। इसके पीछे का रीजन बहुत ज्यादा सिंपल था कि इस बंदे को खेलने आता था और मुझे खेलने नहीं आता था। मैंने इस बंदे का गेम प्ले देखा अच्छे से कि ये कर क्या रहा है, ये हेडशॉट कैसे मार पा रहा है। फिर मुझे पता चला कि सेम फोन होने के बाद भी ये बंदा मुझसे अच्छा इसलिए खेल पा रहा है क्योंकि इसे खेलने आता है। 2018 के अंदर मैंने फ्री फायर खेलना शुरू किया था, उसके बाद मैंने 2019 के अंदर खेलना बंद कर दिया। उसके बाद जब मैंने नया फोन लिया 2020 में, उसके बाद मैंने फिर से फ्री फायर को डाउनलोड किया, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई तुझे खेलने क्यों नहीं आता था, तो रीजन क्या था कि मैंने गेम खेलना छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने 2021 में इस बंदे की वीडियोस को देखने के बाद अपने गेम प्ले के ऊपर काम करना शुरू किया, और सबसे पहला मैंने क्या काम किया कि मैंने अपने लिए एक बेस्ट कस्टम HD डिजाइन किया, और मैंने अपने गेम प्ले को इस प्लेयर के गेम प्ले के साथ कंपेयर किया, और फिर मुझे ये पता चला कि इस बंदे का गेम के ऊपर हैंड कंट्रोल या फिर गेम का कंट्रोल काफी ज्यादा मस्त है। हेडशॉट मारने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, एम करना और उसके बाद एम के हिसाब से ड्रैग कर। और फिर मुझे ये पता लग गया कि ये प्लेयर इन दोनों चीजों को काफी अच्छे से कर पा रहा है और मुझे ये चीजें करने नहीं आती। फिर मैंने बिना डीपीआई के इसी फोन के अंदर इन चीजों के ऊपर काम किया और आज मेरा गेम प्ले ठीक ठाक बन गया। तो ये सारी कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारा गेम प्ले या फिर हमारे हेडशॉट्स अच्छे इसलिए नहीं लगते हैं क्योंकि हमारे फोन के अंदर कमी है, या फिर बाकी प्लेयर्स डीपीआई का यूज करते हैं इसलिए उनके हेडशॉट्स लगते हैं और हमारे हेडशॉट्स इसलिए नहीं लगते हैं क्योंकि हम डीपीआई का यूज नहीं करते। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कमी होती है हमारे अंदर, फोन के अंदर कोई भी कमी नहीं होती है। जिस फोन के अंदर आप खेलते हो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं इसके अंदर अच्छा नहीं खेल पाता हूं तो ये फोन बेकार है, बट उसी फोन के अंदर कोई ऐसा प्लेयर भी होगा जो काफी ज्यादा अच्छा खेलता हो। तो आप एक काम कर सकते हो, अपने फोन का नाम लेके आप सर्च करना YouTube के ऊपर फ्री फायर गेम, और अगर आपको अपने फोन का हैंड कैम देखने को मिल जाएगा और वो प्लेयर अगर अच्छा खेलता होगा फिर तो आपको पूरी पूरी तसल्ली हो जाएगी। और जिन प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि बिना डीपीआई के हेडशॉट्स मारना मुश्किल है, मतलब कि नहीं लग सकते, तो मेरे लिए एग्जांपल था राजवीर भाई और आप सबके लिए मैं एग्जांपल हूँ। डीपीआई का यूज मैंने आज तक इस फोन के अंदर नहीं किया, टेस्टिंग करने के लिए वीडियो बनाने के लिए जरूर से किया होगा, पर मैं डीपीआई का यूज करके कभी भी नहीं खेला हूँ। तो आज से आप ये बोलना बंद कर देना कि मेरा फोन बेकार है या फिर मैं डीपीआई का यूज नहीं करता हूं इसलिए मेरे हेडशॉट्स नहीं लगते हैं। अगर किसी चीज के अंदर कमी है तो वो आपके अंदर, और अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। जब मैंने राजवीर भाई का गेम प्ले देखा था और मुझे ये बात पता चली कि मुझे खेलने नहीं आता है और इस बंदे को खेलने आता है, तो मैं ये बात मानने को तैयार नहीं था, पर मैंने इस बात को माना और आज आप मेरा गेम प्ले देख सकते हो।